उसमें देखो नंबर EMMC IC को DT करने के बाद देखो EMMC IC को DT करने के बाद हमने डी क्या कैसा, उसके बाद टी क्या है ना, दोनों क्या, डी टी करने के बाद अगर ओके है तो हमें आना है यूजर एरिया पार्ट, इसमें एरिया पार्ट में देखो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यूजर एरिया पार्ट में, यूजर एरिया पार्ट क्लिक किया, यूजर एरिया पार्ट में आने के बाद यहां पे ढूंढना है आपको एक फाइल, कौन सी फाइल सर, मिस फाइल, कौन सी फाइल, मिस MIST मिस, कौन सी फाइल, मिस फाइल, मिस फाइल को टिक लगाना है, यूजर एरिया पार्ट में आना है और कौन सी फाइल को, मिस MIST फाइल को टिक लगाना है, देख लिया, उसके बाद इरेज कर देना, इरेज कर देना, उसके बाद मोबाइल फोन को चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो सबसे पहले फ्लैशिंग करो, उसके बाद ही सीपीयू रिबूट करो, है ना, लिखो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो अगर फोन ओके नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो फ्लैश करना है, देन अगर फ्लैश करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या, तो मैं जो है ना ISP पिन आउट खोल लिया हूँ, ISP जो जम्पर लगाए थे उसको खोल लिए, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा फोन सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, तो सीपीयू और एमएमसी दोनों पर रोल करना है, काली सी नहीं हुआ तो सीपीयू पर रोल करना है, ठीक है, देखो इधर देखो, हो गया सर, हो गया, कौन सी फाइल इरेज किया, मिस, प्रॉब्लम सॉल्व, मिस, एक क्लैप हो जाए इसके लिए फोन, है ना लगाने मिस फाइल को क्या कर देने का, अब ये मिस फाइल इरेज करने में क्यों हुआ वो कल बताऊंगा, ठीक है, मिस फाइल का काम क्या है, किस लिए है ये मिस फाइल, क्यों है ना, ये मिस फाइल क्या काम करता है, ऐसा क्या काम करता है, इसको इरेज कर दिया, अरे अभी तक तो राइट करने में चालू हो रहा था, अब इरेज करने में चालू क्यों हो गया, मैजिक अगर हैंग ऑन लोगो आए
इसको सबसे पहले अगर डीटी करेंगे, डीटी में खराब है तो भाई उसी के लिए खराब था। अगर डीटी में ओके है, ये सिर्फ किस में? तो सर आईएसपी से भी कर सकता हूँ मैं, ई सॉकेट से भी कर सकता हूँ, डिटेक्ट करने के बाद यूजर इज अ पार्ट, इस फाइल को टिक लगाऊंगा और क्या करूंगा, समझे? अब वापस नहीं आएगा फोन? वापस नहीं आएगा? तो वापस लेके आना क्या? नहीं सर, कस्टमर वापस। अच्छा, हमारे पास और एक फोन है, इसमें जो है ये भी फॉल्ट अच्छा खासा है। इसमें जो है ना आईएसपी करने के टाइम पे फोन डेड हो गया। क्या होगा? आईएसपी करने के फोन डेड हो गया। तीन, तो इसमें देखते हैं क्या फॉल्ट। जो भी काम हो रहा है यहाँ पे क्या लाइव हो रहा है? लाइव लाइव बिल्कुल लाइव, एचडी लाइव टेलीकास्ट, लाइव एचडी परफॉर्मेंस, 4K 4K 8K 8K। तो देखो यहाँ पे आईएसपी पिन आउट करने के टाइम पे डेड हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक डाटा जीरो के रजिस्टर मिस है, ये वाला कमांड वाला रजिस्टर मिस है, और क्लॉक वाले को जंपर मारा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, क्लॉक तो एलवीआर है, उसको जंपर मार सकते हैं, अगर खराब हुआ तो जंपर मार सकते हैं। मतलब क्लॉक की रजिस्टर जो है वो बी पर रहती है, जीरो। अच्छा देखो हमारी जो डाटा जीरो की लाइन की जो रजिस्टर की वैल्यू कितना था? 10 to 20 ohms, मतलब वो भी एलवीआर, मतलब उसको भी हम क्या कर सकते हैं? जंपर मार सकते हैं। यस सर। ठीक, तो उसको भी क्या करते हैं? जंपर मार देते हैं। कमांड की रजिस्टर को क्या जंपर मार सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उसको चेंज करना पड़ेगा। कितने के? 10 to 20। लिखे नहीं थे क्या वो रजिस्टर की वैल्यू? तुम लोग लिख लो। आईएसपी पिन ऑफ डाउन तो हमारे साथ है 28 नवंबर के बैच। यस सर। कौन कौन लाइव है भाई? सर। सभी लोग? यस सर। आज आप लोग एमएमसी चेंज सीखे क्वालकॉम की? यस सर। कौन कौन एमएमसी चेंज कर पाएगा? यस सर। सभी लोग? यस सर। दो दो हाथ? यस सर। दोनों हाथों से? दोनों हाथों से। अच्छा मुझे बताइए, ईएमएमसी चेंज करना आसान है कि नहीं? आसान है। अच्छा, और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या हर फोन में डंप फाइल की जरूरत है? नो सर। बिना डंप फाइल के काम हो सकता है? यस सर। हो सकता है? यस सर। हम हमारे पास मान लीजिए एक ऐसा फोन आया है और उसका डंप फाइल हमारे पास नहीं है, तो फोन को चालू कर सकते हो? यस सर। एक फोन ऐसा आया है जिसमें ईएमएमसी आईसी है ही नहीं, उस फोन को चालू कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस सर। सभी लोग? यस सर। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपने कितने फोनों की ईएमएमसी चेंज देखे? बहुत सर। बहुत सर। कम से कम 5? ऊपर सर। ठीक है, अच्छा मुझे और ये बताइए, ये आज हमने आईएसपी पिन आउट भी देखे। यस सर। आईएसपी पिन आउट में क्या हर लाइन लगाना जरूरी? नो सर। जरूरी है क्या? नो सर। लाइन सर, लाइन। अच्छा आईएसपी पिन आउट में लोगों में है और हमारी प्रॉब्लम नहीं है आईसी में, तो भी ठीक कर सकते हो? यस सर।
है ना फाइल, yes, फाइल को एडिट करके आप कर सकते हो। yes, कौन कौन कर सकता है फाइल? yes, sir. सभी लोग। yes, sir. चलिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई क्लास कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। एक नंबर। yes, आपका नाम? सैफ शेख है नाम, जौनपुर यूपी से। जौनपुर यूपी से आप खाली एमएमसी करने आए हैं? यस सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं हार्डवेयर भी कर लेता तो अच्छा होता? सर बिल्कुल लग रहा है, मैं दोबारा से आऊँगा और दोनों क्लासेस ज्वाइन करूँगा। दोनों क्लासेस ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप एमएमसी के काम पहले करते थे? जी सर करता था। कितने दिन से करते थे? सर लगभग डेढ़ साल से। डेढ़ साल से आप एमएमसी के काम करते थे? जी सर। अच्छा डेढ़ साल से एमएमसी के काम करते थे और आज आपकी लगभग पाँचवा दिन का क्लास? पाँच दिन का। यस सर आज पाँचवा दिन। पाँच दिन और डेढ़ साल, किसको भारी समझोगे? सर ये पाँच दिन ऐसा है कि वो 5% था, आज 95% की मिल गया है नॉलेज। मिल गया है। अच्छा एमएमसी में आप चेंज वगैरह कर पाते थे? नहीं सर। अभी कर पाएंगे कि नहीं कर अब पाएंगे? सर कुछ भी आ जाए चेंज कर दिया जाएगा। चेंज कर दिया जैसे ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल सर। आपका राय क्या है मैं सुनना चाहता हूँ, आपके दिल से क्या होना चाहिए कि कैसा क्लास मिल रहा है, कैसा क्लास चल रहा है यहाँ, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? सर नॉलेज तो हर टीचर में कूट कूट के भरा हुआ है सर, और मैं ये कहना चाहता हूँ नॉलेज तो सबके पास होता है लेकिन देने का तरीका एशिया टेलीकॉम के पास है। देने का तरीका ऐसा है। आपके जौनपुर से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोलना चाहें? सर कोई भी आ सकता है, मैं ये कहूँगा कि अगर उसको तुक्के पे काम करना है तो हाँ। वो अपना करता रहे, और ट्रिक से काम करना है और स्टेप बाय स्टेप करना है तो एशिया टेलीकॉम पे आए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं और एक स्टूडेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? सर बापी उड़ीसा से। बापी उड़ीसा से। तो बताइए बापी जी क्लास कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा मुझे बताइए डे वन आए आपने? जी सर। आपने देव सर से मिले? जी सर। आपने देव सर ने कहा होगा कि अगर आपको क्लास पसंद नहीं आया जी सर तो पैसा रिटर्न लेके जाओ भाई? हाँ बोले थे। बोले थे जी सर। आप पैसा क्यों नहीं रिटर्न नहीं दिए? कभी नहीं लेने का बात ही नहीं। क्यों? पहले तो ऐसे लग रहा था बहुत कुछ मैं जानता था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला मैं कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं मालूम है। अच्छा डेट सेक्शन कैसा रहा देव सर? बहुत अच्छा सर, कोई भी नॉलेज नहीं था, कोई बक कॉइल बूस्ट कॉइल का पता नहीं था, कहाँ से कहाँ लाइन जा रहा है उसका पता नहीं था। अच्छा आपको मैंने एक डायग्राम दे देता हूँ, ठीक। और डायग्राम देने के बाद मैं बोलता हूँ कि इस डायग्राम को रीड करो, कर पाएंगे कि नहीं? जी सर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको उसने उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर क्लास ज्वाइन किया? यस सर। सॉफ्टवेयर क्लास कैसा रहा दुर्गे सर के साथ? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा जी सर। उसके बाद एमएमसी क्लास आपको लग रहा था कि एमएमसी बहुत हार्ड होगा? मालूम ऐसा लग रहा था पहले बहुत हार्ड होगा, लेकिन अब जो सर आपने जो टीचिंग दिया तो बहुत नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जीरो से स्टार्ट किया पूरा नाइन, मतलब जीरो से स्टार्ट करके 99 करके छोड़ा है आपने। 99 करके जी सर। अच्छा चलिए मैं उसके बाद और एक बात करना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपने कि आपका कुछ चीज़ भूल जा रहा है, कुछ चीज़ आपका काम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एशिया टेलीकॉम आपको लिए क्या ऑफर करता है? सर कोई भी ऐसे तो हम पहले करते नहीं थे काम, तो अभी करने के स्टार्ट करेंगे, फिर कभी रुक जाएंगे तो इसके लिए बैकअप क्लास एशिया टेलीकॉम रखा है। बैकअप क्लास के लिए कोई पैसा? नो सर। कोई चार्ज नहीं? नो सर। अच्छा ये कोई है सर कुछ है क्या कि कितने दिन के लिए बैकअप आ सकते हो? कोई भी अब एक बार तो आप ज्वाइन मैं ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद मैं जब प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा तो कभी भी आ सकता हूँ। लाइफ टाइम? जी सर। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। और उड़ीसा से अगर कोई हुई आना चाहिए क्या प्रिफर करना चाहेंगे उसके लिए? दूसरे टेलीकॉम ज्वाइन करने से एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करने से बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा जी सर। उसका गारंटी आप ले पाएंगे? खुद ले पाएंगे। बिल्कुल जी सर, थैंक यू वेरी मच आपको। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, हमारे ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील जी कहाँ से हैं? नेपाल से सर। नेपाल से? नेपाल से इतना दूर एशिया टेलीकॉम क्यों सुनील जी? कुछ सीखने के लिए आए थे। अच्छा जो सीखने के लिए आए थे जो तमन्ना? अच्छा आने से पहले ऐसा होता है मैं ये सीखूंगा वो सीखूंगा, मैं कुछ महारथी बनूंगा, मैं काम करूंगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाऊंगा, सबका लक्ष्य होता है। जो आपने सोचा था कि मैं कुछ अच्छा सीखूंगा
वो उसका उसका जो सोचे थे वो कितना परसेंट मिला आपको? बहुत ज्यादा मिला, जो सोच के आया था उससे भी बहुत ज्यादा मिला है सर। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। देव सर के साथ बहुत खुश है। अच्छा, आपकी मुस्कान ही कह रहा है क्योंकि एक बात है, क्या है कि एशिया टेलीकॉम की खास बात है कि क्लास की एंडिंग पॉइंट में हम रिव्यू लेते हैं। क्योंकि एंडिंग पॉइंट में क्या होता है ना कि किसका सेट बना, किसका सेट नहीं बना, कोई काम हुआ और नहीं हुआ। और यहाँ पे एशिया टेलीकॉम में और एक चीज़ है कि जो भी काम करते हैं हम लाइव काम करते हैं, जो भी आपके हैंडसेट है जो भी काम है वो लाइव ही काम करते हैं, है ना। तो मुझे ये बताइए, जो लाइव यहाँ पे काम चल रहा है वो सारे काम आपकी थ्योरी के हिसाब से हो रहा है कि अलग तरीके से हो रहा है? वही थ्योरी के हिसाब से होता है। और थ्योरी के हिसाब से होने के बाद काम सक्सेस होता है कि नहीं? 100% होता है सर। 100% होता है। अब नेपाल में जाने के बाद क्या इरादा है आपका? क्या अच्छे से काम करेंगे सर, ट्रिक बाय ट्रिक जो यहाँ पे नॉलेज मिला उसी के हिसाब से करेंगे। एकदम तहलका मचा देंगे, तहलका मचा देंगे सर। तो ले नेपाल से अगर कोई आना चाहे तो क्या बोले? क्या बोले सर, और इधर उधर भटकने से अच्छा सीधा एशिया टेलीकॉम। सीधा एशिया टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे सचिन जी को। सचिन जी कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या कैसा क्लास रहा डे वन से, मुझे बताइए कि डे वन से आपका नजरिया कैसा है एशिया टेलीकॉम के प्रति, और डे वन से कुछ डेली नया मिल रहा है क्या? डेली आपको वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है? नहीं सर, डे वन से कैसा है, मैं पहले जब आया था तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। पीसीबी देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं सब। यहाँ आया तो पहले दिन मुझे आईसी रिवॉल्व करने का चांस मिला सर ने, सब स्टूडेंट ने किया। तो हर दिन अलग कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिल रहा था सर। और आज मुझे एमएमसी की क्लास में, मैं तो मेरा इरादा ही नहीं था, मैं खाली हार्डवेयर के लिए, मुझे लगा हार्डवेयर भी मेरा अच्छा हो गया तो बस हो गया। लेकिन एमएमसी का और सॉफ्टवेयर का काम देखा तो अब ये हार्डवेयर से अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे इजी लग रहा है सर। सॉफ्टवेयर इजी लग रहा है, हार्डवेयर भी बहुत इजी है। अच्छा, देव सर के साथ जो आपका नेटवर्क का क्लास हुआ है वो कैसा रहा? बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। में हर कभी भी फंसते थे हम सर, अभी नहीं फंसूंगे सर। अभी नहीं फंसेंगे? नहीं सर। जानते हैं कौन सी वोल्टेज कहाँ से आता है, वो वोल्टेज नहीं आया तो क्या करना है, कौन सी कहाँ से आता है सर पूरा मालूम है? हाँ सर। अच्छा, एक मोबाइल है आपके पास और नेटवर्क नहीं आ रहा है, नो सर्विस आ रहा है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज क्लियर है? पूरे वोल्टेज चेक करके बराबर कर दूंगा सर। बराबर कर सकते हैं नेटवर्क आना। महाराष्ट्र से अगर कोई आना चाहे, जैसे कोई बोल रहा है कि मैं महाराष्ट्र आना चाहता हूँ और मैं इतना फीस दूंगा तो इतना पैसा लेके जाऊंगा, मैं तो कहीं लूट तो नहीं जाऊंगा, क्या बोलना चाहेंगे? जिसको भी आना है वो बिंदास आ सके, क्योंकि मैं भी पहले ऐसा ही ये करता था, विचार करता था, सोचते थे। पर मुझे गाड़ी में बैठते भी लगा था कि मैं कोई फ्रॉड गिर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं सर। ऐसा कुछ बिंदास आ जाए सर, बिंदास। यस सर, इसलिए यहाँ पे ऐसा तो फ्रॉडगिरी नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलता है कि नहीं? यस सर, बिंदास सीखने को मिलता है सर। यहाँ पे कौन स्टूडेंट आया ऐसा जो सीखना चाहता है वो आए, या जो सो मेहनत? देखिए मैं इसका बोलना चाहता हूँ कि जो आना चाहता है और 5-स्टार होटल में रहना चाहता है और स्विमिंग पूल चाहिए उसको, है ना। तो जैसे आपने 55,000 फीस दिए, तो मैंने आपको डेली 2 घंटा पढ़ाया, 3 घंटा पढ़ाया और एक 5-स्टार होटल दे दिया रहने के लिए और स्विमिंग पूल है उसमें नहाने के लिए, तो कौन सा अच्छा है? नहीं सर, वो पढ़ेगा नहीं सर, बाद में वो जाके हर वो रिपीट आ जाएगा, नहीं तो इधर उधर भटकेगा। भटकेगा हाँ सर, क्योंकि यहाँ पे वही बंदा है जो मेहनत करना चाहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको। मैं बुलाना चाहता हूँ अब उसके बाद हमारे जिन जी को। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन जी कहाँ से हैं? बिहार से सर। बिहार से। नवीन जी बताइए, क्लास कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। हाँ, समझ में आ रहा है क्लास? जी सर, जी सर। कितने दिन से इस लाइन में हैं? लाइन में तो सर लगभग 10+ साल से हैं। 10+ साल से? जी सर। ऐसा क्या कमी लगा आपके अंदर है कि आप 10+ के होने के बाद भी, काम करने के बाद भी आपको लगा कि मुझे कुछ सीखना है? सर, जब भी कस्टमर फोन लेके आता था तो बस वही पुराना स्टाइल अपना साफ सुफ करके देखे हुआ तो हुआ, नहीं तो दे देते थे। कहीं ना कहीं अपने आप में कमी महसूस हुआ कि नहीं, हमको सीखना है, अगर इस लाइन में टिकना है तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होगा। फिर से जो है बहुत सारा इधर उधर वीडियो देखने के बाद और जगह बात भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जब आदमी काम करता है तो उसको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, और वीडियो देखने के बाद जब सर का वीडियो देखे तो लगा कि नहीं, ये बंदा हमको सिखा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ।
सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे? बहुत बढ़िया से। बिहार से कोई आना चाहे तो क्या बोल रहे हैं? उससे कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। अच्छा, वो बोर्ड देखने की जो नज़रिया है आपने, देव सर ने आपको चेंज किया था, कितने दिन में चेंज किया था? जब पहली बार सर से क्लास हुआ, जिस दिन इंट्रोडक्शन होता है उसी दिन लगा कि नहीं, बोर्ड में बहुत सारा कुछ होता है। हम लोग तो सिर्फ समझते थे आईसी है, एक कंपोनेंट लगा हुआ बस। लेकिन अभी आपको पता है बोर्ड में क्या क्या लगा है, किसके वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकता है क्या नहीं? बहुत सारा कुछ लगा हुआ है जितना कि हम सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर की क्लास ज्वाइन किया, आप क्या पहले सॉफ्टवेयर के काम करते थे? करते थे सर, वही जो है छोटा मोटा काम कर लेते थे, अनलॉकिंग यही सब छोटा मोटा। अभी अभी कितना कैसे हो जाता था ये नॉलेज नहीं था। ये होता है कि इस तरह से किए तो हो गया, बस करके देखे हो गया तो हो गया, नहीं तो बस। अभी अभी क्या ख्याल है आपका? अब तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं उसको, ठीक है, ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे। अच्छा, ईएमएमसी के बारे में कैसा रहा क्लास? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त। जबरदस्त जी सर, जबरदस्त। क्या प्रिफर करेंगे एशिया टेलीकॉम? आपको कोई पूछे अरे यार तुम तो एशिया टेलीकॉम गए थे, क्या यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? अगर वो इस लाइन में पहले से होगा तो उसके लिए एक ट्रिक ही काफ़ी होगा कि भाई हाँ सही में सिखा सकता है। अगर जो नया होगा उसको प्रॉपर बताना होगा कि भाई नहीं, यहाँ जाने के बाद तुम बस 4 दिन का क्लास लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो पैसा लेके घर आ जाना सीधा बात। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाल्मीकि है, मैं उड़ीसा से हूँ। वाल्मीकि जी उड़ीसा से जी सर। वाल्मीकि जी बताइए, क्लास कैसा चल रहा है आपको? क्लास बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। डे वन से लेके आज तक एएमसी क्लास हो गया, हर दिन से लेके आज तक जितने भी क्लासेस हुआ है, एक हर दिन एक बेहतर बेहतर होते जा रहे हैं। और मैं ये लाइन में फ्रेशर हूँ और मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था, और पहला दिन से ही देव सर ने जो कंपोनेंट्स की नॉलेज है, बाद में आईसी की नॉलेज है, बाद में डेढ़ सेक्शन तक जो जितने भी नॉलेज दिए हैं, सब सबसे बेस्ट बेस्ट होते जा रहा है। यस। और हम जो अभी एएमसी क्लास अभी चालू है, 5 दिन हो गया, वो क्लास तो और सबसे ज़बरदस्त मज़ेदार क्लास है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता था, ईएमसी क्या होता तो पहले मालूम नहीं था। मिलन सर ने एमसी क्लास जैसे स्टार्ट किया तो थोड़ा नर्वस था, बाद में जैसे एक दिन हो गया तो ऐसे लगा कि एमसी क्लास भी बहुत इजी कर देते हैं। उनका पढ़ाने का तरीका, ट्रिक, स्टेप बाय स्टेप, और जो बोलते हैं वो उसको काम मोबाइल में करके भी दिखाते हैं, ऐसे नहीं किसी बोल दिए वो हुआ नहीं, वो जो बोलते हैं वो प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। तो वे भी और उनका पास जो टेक्निक है, वो आईसी रिवलिंग की हो, आईसी उठाने का हो, पेस्टेडाइट हो, आईसी उठाना हो फिर लगाना हो, तो उनका जो ट्रिक भी बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। चलिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। कि आप बोले कि फ्रेशर है? जी सर, मैं फ्रेशर हूँ। आप फ्रेशर है? बिल्कुल फ्रेशर। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेशर हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक पेस्टेड आईसी का बोर्ड देता हूँ। जी सर। आप खोल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल आराम से, एक प्रिंट भी नहीं उगड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर खोल के मैं आप क्लीन करके दूंगा पेस्टेड आईसी। अरे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है? सर का टेक्निक ऐसा दिया है तो वो इसलिए कॉन्फिडेंस अलग से आ गया है वो। चले, उड़ीसा से अगर कोई आना चाहिए क्या बोलना चाहिए? बेशक आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसको नॉलेज चाहिए वो, जिसको ट्रिक चाहिए वो आके ज्वाइन करे एशिया टेलीकॉम, और प्रॉपर नॉलेज लेके जाइए, ऐसे नहीं जो है पूरा का पक्का नॉलेज लेके जाइए। तो ले, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड ठीक।